माइक चेक माइक चेक हेलो 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 के गाइस आवाज़ आ रही है हेलो 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 जस्ट मिनट आवाज आ रही गाइस के okay, मुझे यहाँ पे आवाज ही नहीं आ रही है मैं एकदम बढ़िया हूँ जस्ट uh, अ मिनट मैं बस चेक कर लूं कि मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं क्योंकि मुझे मेरे स्पीकर पे साउंड नहीं आ रहा है आवाज हेलो हेलो माइक चेक माइक चेक ओके चलो आ रही है अब मुझे ये समझ में आ गया दोस्तों की आवाज़ आ रही है चलो तो आ जाइए दोस्तों स्टार्ट करने जा रहे हैं अब अपन अपना प्यार सा छोटा सा सब्जेक्ट ठीक है चलिए आवाज़ थोड़ी सी लाउड करने के लिए बोल रहे हैं तो फाइन ठीक है मैं लाउड कर देता हूँ अभी एकदम सही आ रही होगी और लाउड करना है तो और लाउड अपन कर देते हैं उसको माइक का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं फाइन चलो तो अब मेरे हिसाब से सभी को आ रही है अगर सभी को आवाज अच्छे से आ रही है थम्सअप का तो फटाफट चलिए थम्सअप का तो फटाफट अगर आपको आवाज आ रही हो तो दोस्तों तो अपन स्टार्ट करें और आज अपन को करना है चैप्टर नंबर अपना पार्टनरशिप एक्ट का चल रहा है चलो थम्सअप आ गए आ गए दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट चलो दैट्स ग्रेट एकदम बाढ़ आ चुकी है ठीक है चलो तो अपन पढ़ रहे थे दोस्तों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत कल अपन ने काफी कुछ बातें जो है दोस्तों वो कंप्लीट कर ली थी अगर आपको याद होगा तो कल अपन ने बातें जो की थी वो की थी अपन ने किसके बारे में दोस्तों इज अबाउट द ऑफ पार्टनर के बारे में और रिलेशन ऑफ दी पार्टनर के अंतर्गत अपन ने राइट्स पढ़ लिया था और दोस्तों अपन ने क्या पढ़ लिया था दोस्तों ड्यूटीज याद आ रहा है क्या ड्यूटीज अपन ने दो प्रकार की पढ़ी थी एक होती है जैसे अपन बोलते हैं एप्सल्यूट ड्यूटी और एक होती है जैसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों क्वालिफाइड ड्यूटीज ठीक है चलो दोस्तों अब जो अपन बात करने वाले हैं अब वो अपन बात करने वाले हैं

भी हो जाए भले ही मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी फर्म चेंज हो जाए तो भी राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होगी वो चेंज होगी ओनली एंड ओनली सब्जेक्ट टू दी कॉन्ट्रैक्ट अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ केस के अंतर्गत मान लीजिए दोस्तों सीए आगे जाकर के हम सी भी, भी पढ़ाते हैं सीएमए भी पढ़ाते हैं हालांकि हम पढ़ा ही रहे हैं, बट फिर भी आई पढ़ाते हैं फिजिक्स पढ़ाते केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो ऐसे केस के अंतर्गत क्या हो जाएगा दोस्तों ऐसे केस के अंतर्गत हमारा एडवेंचर चेंज होगा तो अगर मेरा एडवेंचर चेंज होता है तो उस केस के अंतर्गत भी बोला गया कि जो राइट ऑफ दार्टनर ड्यूटीज ऑफ दी पार्टनर है वो सेम मानी जाएंगी अगर उनको चेंज करना है दोस्तों तो उस केस के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा चलो दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब आ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लेकर के बहुत ध्यान से समझना दोस्तों इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और वो कंसेप्ट है दोस्तों दैट इज अबाउट इंप्लाइड अथॉरिटी एंड एक्सप्रेस अथॉरिटी के बारे में ध्यान से समझेंगे दोस्तों यहां से मैं हल्का सा स्लो भी जाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझना होगा चलिए बात करते हैं दोस्तों अथॉरिटी के बारे में व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी अथॉरिटी का मतलब होता है कि भाई यहां पर एक जो पार्टनर होता है ना वो बाकी सभी पार्टनर्स को लाइबल कर सकता है तो अथॉरिटी का मतलब

वट डू यू मीन बाई एक्सप्रेस अथॉरिटी एक्सप्रेस अथॉरिटी मतलब के बेटा जब भी, भी आप ओरली बोलकर या कर अगर मान लीजिए आप किसी पार्टनर को अथॉरिटी देते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे एक्सप्रेस अथॉरिटी कि भाई हमने उसे बोला, हमने उसे उसे बोला लिख करके अथॉरिटी दे दी कि आप हमें इस चीज के लिए लाइबल कर सकते हो उस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी लेकिन हर चीज एक्सप्रेस करने की नहीं होती हर चीज बयान नहीं की जा सकती इसीलिए कुछ कंसेप्ट के अंतर्गत आता है इंप्लाइड अथॉरिटी और इंप्लाइड अथॉरिटी के

वहां पर पार्टनर अकेला लायबल होता है और अगर वो तीनों दरवाजे खुल जाते हैं तो उस केस में बोला जाता है फर्म विल बी लायबल तो सर वो तीन दरवाजे कौन-कौन से दोस्तों वो तीन दरवाजे हैं सबसे पहला सबसे पहला दरवाजा है जो भी काम होना चाहिए वो इन द नेम ऑफ दी फर्म होना चाहिए किसमें होना चाहिए इन द नेम ऑफ द फर्म तो जो भी आप काम करते हैं इफ इन द नेम ऑफ द फर्म करते हैं दूसरी चीज जो भी काम आप करेंगे दोस्तों वो काम जो होगा वो नॉर्मल तरीके से होना चाहिए कैसे तरीके से होना चाहिए दोस्तों नॉर्मल तरीके से होना चाहिए तो पहली चीज वो नेम ऑफ फर्म में होना चाहिए दूसरी चीज बोली गई है नॉर्मल तरीके से होना चाहिए कौन से तरीके से होना चाहिए नॉर्मल तरीके से होना चाहिए तीसरी चीज दोस्तों वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो वो फर्म का ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए फर्म के ऑर्डेनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए मतलब फर्म का वो रूटीन काम होना चाहिए तो कुल मिलाकर के तीन मेन दरवाजे दोस्तों पहला दरवाजा है नेम ऑफ दी फॉर्म में होना चाहिए दूसरा दरवाजा नॉर्मल तरीके से होना चाहिए और तीसरा दरवाजा दोस्तों ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए अगर ये तीनों पॉइंट पूरे हो जाते हैं अगर ये तीनों पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो इस केस के लिए हु विल बी लाइबल बेटा फॉर्म विल बी लाइबल समझ में आ रहा है पक्का अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के नाम पर अगर मैं आपसे पूछूं बेटा अगर मान लीजिए एक बैंक है बैंक का नाम क्या है बैंक का नाम है ए बी सी एंड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म है बट काम का करती है बैंक का करती है ठीक है अब आप मुझे बताइए इस बैंक के काम के अंतर्गत क्या हुआ ध्यान से समझना मिस्टर ए जो है मिस्टर ए ने वाइन मंगाई क्या मंगाई दोस्तों

हु विल बी लाइबल दोस्तों मिस्टर ए विल बी लाइबल कोई भी डाउट अच्छा चल अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कंसेप्ट की ध्यान से समझने मान लीजिए दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया एनपीसी एंड कंपनी एक फॉर्म है दोस्तों ठीक है

कौन लाइबल रहेगा क्या अचिन नहाटा अकेला लाइबल रहेगा कि पूरी की पूरी एनपीसी लाइबल रहेगी बताइए दोस्तों बताइए एनपीसी लाइबल रहेगी कि अचिन नहाटा लाइबल रहेगा बताइए आइए दोस्तों तो अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सभी लोगों के आंसर एकदम सही लाइव आ रहे हैं दोस्तों अगर अपन बात करें दोस्तों तो एनपीसी विल बी लाइबल सर एनपीसी लाइबल होगा इसका मतलब क्या है बेटा एनपीसी लाइबल होगा इसका मतलब यह हो जाता है कि भाई आज अगर बच्चों को पढ़ाने की बात हुई तो ऐसा नहीं बोला जा सकता ना कि बच्चों आपको अब हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अचिन सर ने वो पैसा जो है कार खरीदने में लगा दिया आज वो बच्चे जो है बेटा अगर हमने जैसे ही एनपीसी वालों ने यह बात रखी कि भाई हम आपको नहीं पढ़ाएंगे वैसे ही बच्चे बाहर जाकर के क्या चलाएंगे अचिन नाटा हाई हाई कि एनपीसी हाई हाई द आंसर इज एन

हिसाब किताब करेगी तो ये हिसाब किताब में पैसा काटेगी क्या आंसर इज यस और वो पैसा किसका काटेगी अच्छे नाटक का काटेगी तो लास्ट में अच्छे नाटा लाइबल होगा लेकिन थर्ड पार्टी के प्रति कौन लाइबल होगा थर्ड पार्टी के प्रति जो है वो एनपीसी ही लाइबल रहेगी क्या आपको बात समझ में आ गई पक्का

एक और चौथा दरवाजा होता है दोस्तों जो दरवाजे के बारे में मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया मैं मान करके चलता हूं कि वो चौथा दरवाजा हमेशा क्या रहता है खुला रहता है लेकिन वो चौथे दरवाजे के बारे में भी आपको जरूरी है जानना और वो चौथा दरवाजा क्या है वो चौथा दरवाजा ये बातचीत करता है कि कुछ चीजें तो ऐसी है जिसके लिए हम मान करके चलेंगे कि ये दरवाज़ा खुला है लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहेगी जिस केस के अंतर्गत हम मान करके चलेंगे कि भाई दरवाजा जो ओपन तो no, तो करा, करा, करा सकते हो तो जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंतर्गत ऐसी कुछ खास बातें हैं जहां पर दरवाजा ओपन है यह माना जा रहा है और कुछ ऐसी खास बातें जहां पर दरवाजा ओपन नहीं है लेकिन जहां दरवाजा ओपन नहीं है वहां पर आप दरवाजे को क्या कर सकते सकते हो हो दोस्तों खोल सकते तो अगर हम बात करें दरवाजा ओपन रहेगा वो मैक्सिमम केस है दोस्तों जो कि माने ही जाते हैं एग्जाम्पल के नाम पर आज अगर मुझे फर्म के अंतर्गत गुड्स को बेचना है तो भाई ये, इसके लिए मुझे किसी से पूछना की जरूरत नहीं है फर्म के गुड्स को खरीदना है पूछने की जरूरत नहीं कस्टमर से पैसा लेना है पूछने की जरूरत नहीं है अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इंप्लॉईज को हायर करना है पूछने की जरूरत नहीं इन सारे केसेस के अंतर्गत दरवाजा खुला हुआ ये, माना जाएगा लेकिन हाँ कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जहां पर दरवाजा क्या माना जाएगा दोस्तों बंद माना जाएगा सर वो दरवाजा कौन वो केसेस कौन कौन से वो केसे अगर आप फर्म की क्या करते हो प्रॉपर्टी को बेचने की बात करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना चाहते हो किसकी दोस्तों फर्म की तो ऐसे केस के अंतर्गत ये दरवाजा बंद है ये माना

एक्सेप्ट कर ली तो उसके इसके अंतर्गत भी माना जाएगा कि भाई ये जो फर्म का दरवाजा ये बंद था ये आपका काम था नहीं आपने करना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों अग्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर अगर आप मान लीजिए बैंक अकाउंट ओपन कराना चाहते हो और बैंक अकाउंट आप अपने फर्म के नाम पर नहीं अपने पर्सनल नाम पे ओपन कराना चाहते हो तो यह भी आपका अधिकार नहीं है इसके लिए भी आपको क्या लेना पड़ेगा आपको परमिशन लेना पड़ेगा अग्रीमेंट करना पड़ेगा मतलब एक दरवाजा ऐसा है जो इन केसेस के अंतर्गत क्या माना जाता है दोस्तों बंद माना जाता है तो अगर हम बात करें मैं अपनी बात को ऊपर वाली बात को अगर मैं और अच्छे तरीके से बोलूं तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर हमें कितने दरवाजे खोलने पड़ते तीन नहीं हमें खोलने पड़ते चार दरवाजा और चौथा दरवाजा

ठीक है अगर हम बात ओपनिंग अ बैंक अकाउंट एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अक्वायर रिमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर रिमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टाइम टू पार्टनरशिप या फिर अगर हम बात करें दोस्तों अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय दि फर्म कॉम्प्रोमाइज करना मतलब एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं डिस्काउंट दे रहे हैं तो अगर आप इस तरीके का ऐसा कुछ करें कि आप डिस्काउंट दे रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं रिलिंक्विश कर, कर रहे हैं दोस्तों कोई भी प्रकार का क्लेम तो वो भी क्या है दोस्तों वो भी आपको सभी पार्टनर्स की परमिशन से करना पड़ेगा ये वाली जो चीजें इसमें एम्प्लाइड अथॉरिटी ये चीजों के लिए एम्पावर नहीं करती एम्प्लॉयड अथॉरिटी इन चीजों के लिए क्या नहीं

मिसलेनियस बातों के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ है दोस्तों अभी एम्प्लॉयड अथॉरिटी है जैसे कि भाई गुड्स को खरीदना बेचना अकाउंट सेटल करना एम्प्लॉइज़ को रखना ये सारी आम बातें हैं लेकिन कई बार इन आम बातों में भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं इन आम बातों में भी रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं सर कैसे मान लीजिए दोस्तों मेरी जो शॉप है मेरी शॉप है घड़ियों की शॉप ठीक है भाई हमारा जो काम है वो घड़ी बेचने का है और मान लीजिए दोस्तों मैं ना वॉचेस परचेस करके लाता हूं लेकिन दोस्तों मैं ऐसी ऐसी वॉच परचेस करके लाता हूं ना फर्म के लिए जो एक बार फर्म के अंदर आती तो है लेकिन कभी फर्म को छोड़ करके नहीं जाती इसका मतलब है वो डेड स्टॉक हो जाती है तो अब जो पार्टनर्स है ना वो ये नहीं चाहते कि अचिन क्या करने जाए परचेस करने जाए किसको वॉचेस को तो अगर मान लीजिए मेरे फर्म वाले अगर मुझे मना करते कि भाई अचिन नाटा जो है वो परचेस करने नहीं जाएगा वॉच को मतलब वो रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं किसमें रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं मेरी इंप्लाइड अथॉरिटी में रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं तो लॉ मेकर बोलते हैं कि अगर मान लीजिए बॉस अगर आप रिस्ट्रिक्शन डालते हैं एम्प्लायड अथॉरिटी के अंतर्गत तो वैसे केस के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा आपको बेसिकली थर्ड पार्टी को भी बताना पड़ेगा अगर आप थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में नहीं बताएंगे तो इस केस के अंतर्गत जो है वो थर्ड पार्टी फॉर्म को ही लाइबल करेगी एग्जाम्पल के नाम पे मेरे सामने है मिस्टर सक्षम अब सक्षम की शॉप में मैं जाकर के क्या करता हूं घड़ियां परचेस करता हूं अगर माना जाए तो मेरे जो पार्टनर है सलोनी मैम है प्रतीक सर है मेगा मैम है अमित सर है सब ने मुझे मना कर दिया कि नहीं भाई आप नहीं जाएंगे परचेस करने के लिए मैंने कहा ठीक है बॉस लेकिन फिर भी मैं एक दिन उठा और उठ करके सक्षम की शॉप में गया और वहां से तीन लाख की घड़ियां खरीद करके ले आया फॉर्म में रख दिया अब भाई सक्षम को पता है कि अचिन सर आते हैं वॉचेस परचेस करते हैं दो चार दिन के बाद या पाँच दिन के बाद जो है वो फॉर्म में हम जाएंगे एक बिल देंगे और फॉर्म वाले चेक दे देंगे अब मान लीजिए दोस्तों सक्षम ने अभी पाँच दिन के बाद लाया तीन लाख का बिल और बोला भाई फॉर्म को पे कर दो फर्म का कहना ऐसा था कि सर 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 ऐसा है कि हमने अचिन को मना कर दिया था कि वो क्या नहीं करेंगे घड़ी खरीदने नहीं जाएंगे वो घड़ी खरीदने गए उनकी गलती है आप उनसे पैसा मांगो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जो भाई मिस्टर सक्षम है क्या वो पैसा अचिन नहाटा से मांगेंगे कि फर्म से मांगेंगे जल्दी बताएंगे अचिन से मांगेंगे कि फर्म से मांगेंगे वेरी गुड फॉर्म से मांगेंगे तो अगर बात की जाए दोस्तों तो वो अचिन हाटा से पैसा नहीं मांगेंगे अक्षय वो मांगेंगे किससे दोस्तों वो मांगेंगे फॉर्म से तो यहां पे फॉर्म विल बी लाइबल क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पे बोला ये जाएगा कि भाई आपने अचिन सर को मना कर दिया है तो ये बात आपने मुझे तो पता ही नहीं मुझे तो लग रहा था कि आज भी अचिन सर ही क्या करेंगे घड़ी खरीदेंगे और पैसा फॉर्म देगी तो ऑन डेट बेसिस भाई मैंने तो क्या कर दिया मैंने तो भाई आपके पास आ गया तो ऐसे ही केस के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भाई कौन लाइबल होगी फॉर्म विल बी लाइबल दूसरा जो केस है दोस्तों पॉइंट का वो है कि अगर कोई भी बात अगर मान लीजिए पार्टनर को पता चलती है तो क्या होता है बोला ये जाता है तो अगर कोई भी बात पार्टनर को पता चल जाती है तो यह माना जाता है कि यह बात किसको पता चल गई दोस्तों फर्म को भी पता चल गई है मतलब उस चीज के लिए फर्म क्या हो जाएगा दोस्तों लाइबल हो जाएगा लेकिन याद रखेंगे दोस्तों अगर हम बात करें इस केस के अंतर्गत बोला जा रहा है कि इस केस के अंतर्गत जो है बेसिकली तीन बातों का ख्याल रखना जरूरी है जिस भी पार्टनर को आप बातें बताओगे दोस्तों वो पार्टनर क्या होना चाहिए वो पार्टनर होना चाहिए एक एक्टिव पार्टनर कैसा होना चाहिए एक्टिव पार्टनर वर्किंग पार्टनर वो स्लीपिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए दूसरी चीज जो भी बात आप बताएंगे वो रिलेट करना चाहिए अफेयर्स ऑफ फर्म से किससे रिलेट करना चाहिए अफेयर फर्म से और ऐसा नहीं होना चाहिए कि थर्ड पार्टी और पार्टनर मिलकर फ्रॉड कमिट करने की कोशिश कर रहे हो थर्ड पार्टी और पार्टनर मिलकर के फ्रॉड कमिट करने की कोशिश कर रहे हो अगर ये पॉइंट फुलफिल हो जाते हैं तो बोला जाता है कि कोई भी बात अगर एक पार्टनर को को पता 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 चल 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 गई 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 तो वो किसको पूरी पूरी की पूरी? फर्म 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 मतलब उस चीज के लिए नहीं नहीं कर सकती सकती ये बोल नहीं सकती कि भाई मुझे तो पता ही नहीं था यह मानेंगे कि भाई ये सभी को ही पता था। के नाम पर ध्यान से पढ़िए दोस्तों यहां पर

तो अब आप मुझे बताइए अगर Z के लिए बियर करेगा तो किसको करेगा क्या X को, y को की फर्म को firm को क्यों firm को करेगा क्योंकि मतलब एक पार्टनर को जो चीज पता है वो सारे पार्टनर्स को पता है, ये माना जाता है. इसलिए कोई भी गड़बड़ घोटाला अगर एक पार्टनर से भी होता है तो माना जाता है कि सभी पार्टनर्स को इसका क्या था आइडिया था क्या आप कोई बात समझ में पक्का अच्छे तरीके से चलो एक और यहां पर दिया हुआ है एग्जाम्पल जल्दी से देखेंगे क्या लिखा है दोस्तों पी क्यू एंड आर आर पार्टनर इन बिजनेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर परचेज अ सेकंड हैंड गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म फ्रॉम एस इन द कोर्स ऑफ डीलिंग विथ एस ही कम्स टू नो दैट कार इज अ स्टोल वन एंड इट एक्चुअली बिलोंग्स टू एक्स तो ये बात किसको पता थी ये बात आर को पता थी पीएनक्यू को ये बारे में कुछ नहीं पता था अब आप मुझे बताइए चोरी की कार इन लोगों ने खरीद ली अब अगर भले ही किसको नहीं पता हो भले ही पी एन को नहीं पता हो तो भी अगर आर को पता है तो ये माना जाएगा कि भाई उस केस के अंतर्गत जो है वो पूरी की पूरी, पूरी पार्टनर्स के है लाइबल होंगे लेकिन ध्यान से समझो मान के चलो यहां पर क्या हुआ मिस्टर एस और मिस्टर जो है कौन दोस्तों मिस्टर जो है आर इन दोनों ने आपस में कोई बातचीत कर ले कि भाई चोरी की कार है खरीद लो ठीक है अपने पार्टनर्स को मत बताना कुछ नहीं करना अपन क्या करेंगे जो भी पैसा आएगा आधा आधा कर लेंगे इस तरीके की कोई बात जो जो है है वो 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 एस और और आर आर ने कर कर ली मतलब जो है, वो क्या क्या रहा था पी क्यू के साथ क्या प्लान कर रहा है बताइए फ्रॉड प्लान कर रहा है मतलब एस और आर मिल करके फ्रॉड प्लान कर रहे हैं किसके खिलाफ बताइए पी और क्यू के खिलाफ तो इसके अंतर्गत मुझे बताइए क्या आर का पता होना इज इक्वल टू पूरी फॉर्म का पता होना क्या आंसर इज नो यहां आर का पता does not इक्वल टू फर्म का पता होना यहां पर आर का पता होना जो है वो सिर्फ आर का ही पता होना होगा और इस केस के लिए हु लाइबल द आर विल बी लाइबल क्या आपको ये बात समझ में आ गई पक्का अच्छे से चलो दोस्तों आगे बात करते हैं इस केस के, के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ दी फर्म के बारे में अगर अपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पर बोला गया भाई जो भी पार्टनर होता है उस पार्टनर के काम के लिए कोई भी पार्टनर होता है उस पार्टनर के काम के लिए बाकी के पार्टनर्स विल बी लाइबल क्या बोला गया दोस्तों एवरी पार्टनर वाई भी लाइबल होगा जेड भी लाइबल होगा yes, yes दोस्तों और लाइबल तो क्या लाइबल पोर्शनली लाइबल क्या बोला दोस्तों लाइबल तो क्या लाइबल पोर्शनली लाइबल सर वॉट डू मीन बाइबल पोर्सनली लाइबल का मतलब हो जाता है बेटा आपका घर और आपका बार बड़ा सा घर और छोटा सा बाहर दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों बिक जाते हैं तो पर्सनली लाइबल का मतलब है यहां पे घर बार भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बिक जाएगा ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तो इसीलिए दोस्तों ऐसा होता है कि भाई अगर एक पार्टनर ने कोई गंदी घिनोनी हरकत की तो उसके लिए बाकी पार्टनर भी लाइबल होंगे और पार्टी पार्टनर भी कितने एक्सटेंट तक लाइबल होंगे अनलिमिटेड एक्सटेंट तक के लाइबल होंगे लेकिन ध्यान से समझना दोस्तों हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख आती है लेकिन क्या नहीं आता दोस्तों इंसाफ नहीं आता तो अब आप मुझे बताइए ऐसे केस में हुआ ऐसा कि कांड हुआ है 2020 में कांड हुआ है 2020 में जब अच्छे पाटना था और इस चीज का जो फैसला आया वो आया 2030 में जब अचिन नहाटा पार्टनर नहीं है अब मुझे बताइए कांड हुआ 2020 में और उसका फैसला आया 2030 में एनपीसी हार गई है उस फैसले में अचिन नहाटा ने 2030 से पहले पहले फर्म को छोड़ दिया है। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या अचिन नहाटा लाइबल होगा कि नहीं होगा बताइए दोस्तों कांड हुआ दो में जब अचिन नहाटा पार्टनर है और उसका रिजल्ट आया दो में जब अचे नहाटा पार्टनर नहीं है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस चीज के लिए क्या अचिन नहाटा जो है वो लाइबल होंगे यस नो जल्दी बताइए और नो वेरी yes गुड no, yes no, yes no. दोस्तों अचन सर विल बी लाइबल बेटा क्यों लाइबल होंगे क्योंकि 2020 में जब आप पार्टनर थे तो जब भी भी आप पार्टनर होते हैं दोस्तों उस केस के अंतर्गत आप भी लाइबल होते हैं भले ही 2000

किया तो ऐसे केस में बोला गया कि अगर आपने गलत इस्तेमाल किया है उस प्रॉपर्टी का तो ऐसे केस के अंतर्गत आप

बाय समझ में आ रहा है तो यहां पे पार्टनर लाइबल नहीं होगा पार्टनर लाइबल नहीं होगा पार्टनर नहीं होगा शांतनु फर्म विल बी लाइबल केस वही वाला है जिस केस के अंतर्गत मैंने फीस ले ली थी वो तो फर्म की प्रॉपर्टी थी ना और मैंने उस पैसे से क्या खरीदा था कार खरीदा था तो मैंने तो मिस एप्रोप्रिएट ही किया ना तो उस केस के अंतर्गत हुईबल द फर्म वॉज लाइबल चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों किसके बारे में दैट इज अबाउट दसी इमरजेंसी इमरजेंसी आ जाती है कभी कभार ऐसा हो जाता है दोस्तों कि आपातकालीन स्थिति आ गई और वहां पर पार्टनर जो है वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाता अग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर पाता वहां उसका इंटेंशन होता है अपनी फर्म के लॉस को कम से कम करना तो ऐसे केस के अंतर्गत अब लॉस को कम करना है लेकिन लॉस तो होगा ही होगा क्योंकि आपातकालीन स्थिति है कहीं ना कहीं दिक्कतें तो जाएंगी तो इस केस के लिए हु विल बी लाइबल तो बोला गया फर्म विल बी लाइबल एग्जाम्पल के नाम पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मान लीजिए बेटा हमारी जो नाहटा एनपीसी है ठीक है हमारी एक फर्म है और वो एक शेयर मार्केट के बिजनेस में काम करती है और शेयर मार्केट में कभी भी उछाल आता है कभी भी गिरावट आती है मान लीजिए दोस्तों हुआ क्या मान लीजिए कि भाई जो आ, हमारे शेयर मार्केट है शेयर मार्केट के अंतर्गत क्या हुआ शेयर मार्केट के अंतर्गत अभी अभी आई है बहुत भारी गिरावट और उस भारी गिरावट के चलते हुए क्या हुआ कि हमने जिस शेयर में

नुकसान हो गया किसका नुकसान हो गया दोस्तों सारे के सारे आ, फर्म के जो सॉरी जो कंपनी के शेयर उनका क्या हो गया दोस्तों नुकसान हो गया अब हुआ क्या ध्यान से समझना अब हुआ ऐसा दोस्तों कि भाई मान लीजिए अब हमने ना पांच पचास लाख रुपए लगाए थे सत्यम के अंतर्गत उसके कारण क्या हुआ उसके कारण हुआ ये कि भाई जो हमारे पैसे हैं वो अब बहुत कम होते जा रहे हैं पचास लाख रुपए लगाएं शेयर मार्केट में प्राइस गिर रहा है मैं अपने सारे पार्टनर्स को फोन करके पूछना चाहता हूं कि क्या पचास लाख के शेयर को बेच दो? तो होगा क्या कि सारे पार्टनर्स फोन नहीं उठाएंगे क्योंकि सभी फैकल्टीज़ क्या कर रहे हैं भाई पढ़ाने में भी बिज़ी हैं ऑब्वियसली बात है हमारा शेयर मार्केट के अलावा पढ़ाने का भी बिजनेस है सभी लोग कोचिंग क्लासेस में पढ़ा रहे हैं अब मैं सबको फोन कर रहा हूँ बेचू नहीं बेचू बेचू नहीं बेचूँ बेचू, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है अब ऐसे केस में पचास लाख की चीज़ पैंतालीस लाख की पहले ही हो चुकी है और धड़म, धड़म 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 गिर रहा है तो अब आप मुझे बताइए ऐसे केस में क्या किया जाए क्या मुझे बेच देना चाहिए बिल्कुल बेच देना चाहिए मैंने उठा करके बेचा तब तक के जो जो रेट है दोस्तों वो पचास लाख के बदले हो गया था बयालीस लाख रुपए का आठ लाख का नुकसान हो गया लेकिन मैंने उठा करके बेच दिया हमारी फर्म के अंदर रूल था कि भाई दो लाख से ऊपर की कोई भी चीज को बेचना है तो सबसे पूछे बिना नहीं बेच सकते अब मैंने पचास लाख की चीज को बेच दिया आठ लाख का नुकसान हो गया अब सभी पार्टनर्स मेरे ऊपर चढ़ गए कि भाई तुमने गलत किया अच्छे नहाटा अब तुमको क्या करना पड़ेगा तुम्हें पर्टिकुलरली आठ लाख रुपए का ये नुकसान जो है वो बियर करना पड़ेगा अब मेरा आपसे पूछना ये कि क्या आठ लाख का ये नुकसान जो है क्या वो मैं अकेला बियर करूंगा क्या बताइए क्या मैं अकेला बियर करूंगा क्या बताइए द आंसर इज यस और नो क्या मैं अकेला बियर करूंगा क्या आठ लाख का नुकसान बताइए आंसर ऑब्वियस बात है मैंने जो भी किया वो फर्म को बचाने के लिए किया और अगर मैंने जो भी किया वो फर्म को बचाने के लिए किया है तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों मैं लाइबल अकेला नहीं हूँ इसके अंतर्गत पूरी की पूरी फर्म विल बी लाइबल क्योंकि दिस इज केस ऑफ वर्थ दोस्तों एमरजेंसी कोई भी डाउट दोस्तों पक्का नेक्स्ट कंसेप्ट का आता है दैट इज एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी ऐसा राइट कोई भी ऐसा इंटरेस्ट जो कि पार्टनर ने लाया है और कॉमन स्टॉक पे रखा है कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी राइट और इंटरेस्ट जो कि फर्म के पैसों से खरीदा गया है फर्म के लिए खरीदा गया कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए खरीदा गया एंड द गुडविल ऑफ द फर्म दीज आर नोन एज व्हाट दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म कोई भी डाउट फिक्स है अच्छे तरीके से चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में अब अपन बात करने जा रहे हैं एंड दैट कंसेप्ट इज नोन एज दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लास्ट चैप्टर बोलते हैं अपन इसको व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि भाई पार्टनरशिप के अंतर्गत जो रिश्ते हैं पार्टनर्स के वो क्या हो गए चेंज हो गए ओके रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे होता है दोस्तों तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है अगर मैं बात करूं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है विद दी एडमिशन ऑफ दी पार्टनर विद दी रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर विद द डेथ ऑफ दर विदपल्शन ऑफ दार्टनर विद द इंसॉल्वेंसी ऑफ दार्टनर तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जैसे दोस्तों फर्म का क्या हो जाता है दोस्तों जो पार्टनर हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो आइए दोस्तों रिकॉन्स्ट्यूशन ऑफ दी इंटरेस्ट कैसे कैसे होता है दोस्तों तो देखते हैं आइए रिकॉन्स्ट्यूशन ऑफ इंटरेस्ट होता है विदमिशन ऑफ दी पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ दी पार्टनर डेथ ऑफ दी पार्टनर इंसॉलवेंसी ऑफ दी पार्टनर एक्सपल्शन ऑफ दर एंड ट्रांसफर ऑफ शेयर

ऑलरेडी आपने अगर मान लीजिए कर लिया होगा तो आप एडमिट करा सकते हो विद द ऑफ ऑल पार्टनर के अंतर्गत सभी पार्टनर्स का यस yes बोलना अनिवार्य है अगर एक ने भी नो no बोल दिया तो आप एडमिट नहीं करा सकते और ये बात तो हम जानते ही जब हमने राइट्स पढ़ा था तो राइट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि भाई एक ऐसा कंसेप्ट चार ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहां पे सभी का हां बोलना अनिवार्य होता है तो उसके अंतर्गत जो एडमिशन है वो भी वहां पर था दोस्तों तो इसीलिए सभी का कंसेंट यस yes आएगा तो ही आप एडमिट करा सकते हो या फिर आपने क्या कर लिया होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया होगा तो ही आप एडमिट करा सकते हो एग्जाम्पल के नाम पे नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस है और नाहटा प्रोफेशनल क्लासेस के अंतर्गत मैं एक पार्टनर हूँ मैंने बोला भाई कोई ना कोई नाहटा खानदान का तो भाई इसके अंतर्गत होना ही चाहिए हमेशा ही हमेशा तो इसलिए मैंने क्या प्लान किया मैंने बोला भाई जो जूनियर है जूनियर अचे यस यस जूनियर अचिन जो है वो जैसे एटीनथ बर्थडे मनाएगा वो कहां आ जाएगा फर्म के अंतर्गत आ जाएगा तो अगर मान लीजिए दोस्तों कल रात को अगर जूनियर ने अपना हैप्पी वाला बर्थडे मनाया है और बर्थडे उसका हो गया अब आज सुबह सुबह वो मेरे साथ ही कहां जा रहा है दोस्तों ऑफिस जा रहा है कोचिंग जा रहा है और एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस हो रहा है बाकी सभी लोग मना कर रहे हैं नहीं 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 जूनियर अचिन नहीं आएगा लेकिन क्योंकि मैंने आपसे पहले ही क्या कर चुका था कॉन्ट्रैक्ट कर चुका था कि नाटा खानदान का भाई जूनियर अचिन जो है वो एटीन बर्थडे के बाद एंटर हो ही जाएगा क्योंकि ये बात हमने बोल चुकी थी तब आप मुझे बताइए क्या आप मना कर सकते हो क्या आंसर इज नो आप बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो अब इस केस के अंतर्गत क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही कर लिया था तो उस केस के अंतर्गत देखा जाए तो एडमिशन होके ही रहेगा क्या आप कोई बात समझ में आ गई? पक्का

पक्का तो उस केस के अंतर्गत है दोस्तों ट्राई पटाइट अग्रीमेंट कोई भी डाउट दोस्तों इसमें फिक्स है पक्का चलिए दोस्तों तो लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ने समझी सर अगर वो फॉर्म छोड़ करके जाता है तो फिर क्या होगा तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दोस्तों वो कंपीटिंग बिजनेस चालू कर सकता है ऑब्वियसली बात है अगर वो फर्म छोड़ करके जाएगा कंपीटिंग बिजनेस चालू करेगा लेकिन हाँ कुछ याद रखना ये बातें कि भाई वो फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकता रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज दी कैरिंग ऑन दी फर्म बिजनेस नहीं कर सकता सोलिसिट द ओल्ड कस्टमर नहीं कर सकता ये चार काम वो नहीं कर सकता अच्छा अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वो छोड़ करके जा रहा है तो उसका क्या फाइनल सेटलमेंट हो जाना चाहिए क्या पैसे का बिल्कुल हो जाना चाहिए लेकिन अगर फाइनल सेटलमेंट उसका नहीं हो पाया तो उसको फिर दो चीजें मिलेंगी या तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट Of 6 या फिर उसको सच शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा जितना पैसा उसका अभी सेटल नहीं हुआ है तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन है वो चूज कर सकता है वो चाहे तो सिक्स परसेंट भी चूज कर सकता है वो चाहे तो शेयर ऑफ प्रॉफिट भी चूज कर सकता है कोई भी डाउट चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट है जैसे अपन बोलते हैं एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर पार्टनर को धक्के मार के बाहर निकालना अपन ने कल एक राइट्स पढ़ा था कि क्या पार्टनर को धक्के मार के बाहर निकाल सकते हैं द आंसर इज नो आप पार्टनर को धक्के मार के बाहर नहीं निकाल सकते लेकिन 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 धक्के मारना है तो आप धक्के मार सकते हो उसके लिए कितने पॉइंट पूरे होने चाहिए दोस्तों चार पॉइंट पूरे होना जरूरी है सबसे पहली चीज अग्रीमेंट होना चाहिए कि भाई मारेंगे तो क्या मारेंगे धक्का मारेंगे दूसरी चीज बोली गई धक्का कितने लोग मारेंगे मेजोरिटी लोग क्या मारेंगे दोस्तों धक्का मारेंगे फिर जो भी धक्का मारेंगे वो किस में मारेंगे बेटा फूड मैं लिख दिया हूं गुड गुड फेथ पे धक्का मारेंगे ठीक है तीसरी चीज है चौथी चीज है दोस्तों आपको क्या मिलेगी ऑपॉर्चुनिटी टू स्पीक मिलेगी तो ये सारी चीजें जो है ये चारों पॉइंट पूरे होंगे तो ही क्या मारा जा सकता है धक्का मारा जाएगा अगर सर ये चारों पॉइंट पूरे नहीं हो पाए तो फिर क्या होगा अगर ये चारों पॉइंट पूरे नहीं हो पाए तो उसके इसमें धक्का मारना ये हो जाएगा नल एंड वाइड क्या हो जाएगा दोस्तों नल एंड वाइड अच्छा सर ये नल एंड वाइड हो गया तो फिर क्या होगा नल एंड वॉइड हो गया तो फिर आपके पास एक अधिकार आ जाएगा दैट इज यू कैन बी री इंस्टेटेड इन दी फॉर्म आप किस में आ जाएंगे बेटा फर्म के अंतर्गत आप रीन हो जाएंगे लेकिन 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 ध्यान से समझेंगे दोस्तों यू विल बी रीन इन दी फर्म लेकिन हाँ आपको कहीं से भी डैमेजेस क्लेम करने का मौका नहीं दिया जाएगा तो आप भूल के भी डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते लेकिन हाँ आप फर्म को वापस से ज्वाइन कर सकते हैं री हो सकते हैं आप री हो सकते हैं किसमें दोस्तों फर्म में

दोस्तों इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का कांसेप्ट एकदम सेम चलता है जैसे डेथ का कांसेप्ट और इसके अंतर्गत भी होता है अनलेस अदरवाइज एग्रीड द फर्म इज डिसॉल्वड और साथ ही साथ इसमें भी आपको क्या नहीं देना पड़ता दोस्तों पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती क्या बोला इसके अंतर्गत भी आपको पब्लिक नोटिस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती क्या आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों पक्का अच्छे तरीके से चलिए दोस्तों इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो नेक्स्ट बात होगी दैट इज अबाउट ने ट्रांसफर ऑफ पार्टनर शेयर की इसका एग्जामिनेशन में आने का चांसेस है दोस्तों दैट इज एज ट्रांसफर ऑफ चलिए क्या होता है कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि मुझे किसकी जरूरत होती है मुझे पैसों की जरूरत होती है और भगवान का दिया मेरे पास कुछ नहीं है दोस्तों भगवान का दिया मेरे पास सिर्फ एक ही चीज है वो है नहाटा क्लासेस का ट्वेंटी का शेयर अब मैं अपने पार्टनर से पैसा मांग रहा हूं वो मुझे दे नहीं रहे हैं और मान लीजिए दोस्तों अगर मुझे और कहीं पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं रहा भगवान का दिया मेरे पास कुछ नहीं है जो है वो पच्चीस की नाटक क्लासेस की हिस्सेदारी तो 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 मैं क्या तो मैं क्या करूं चाहूं तो ये 25 की की नाटक क्लासेस हिस्सेदारी को गिरवी में रख करके क्या कर सकता हूं लोन ले सकता हूं अगर मैं पच्चीस प्रतिशत की हिस्सेदारी को गिरवी में रख करके अगर मैं लोन लेता हूं तो ऐसे केस में बोला यह जाता है दोस्तों कि उस केस में जो भी मेरा ट्रांसफरी होगा जिसको मैंने ये दिया है जिसको मैंने पच्चीस प्रतिशत दिया है तो क्या वो मेरी

दी शेयर शेयर उसको उसको देखने देखने के लिए उसको भी भी का मौका मिल जाएगा कोई भी डाउट दोस्तों पक्का अच्छे तरीके से चलिए उसके बाद अब अपन ने बातें जो यहां पर की है दोस्तों ने बातें कर पार्टनरशिप की किसकी बात कर ली डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की अब एक कंसेप्ट और है दोस्तों, जिसे अपन बोलते हैं

लेकिन अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म जो है वो जब डिजोल्व होती है तो पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाता है फिर टोटली totally आप खत्म हो जाते हैं अब ये फर्म का का बिजनेस जो है है वो पूरा का पूरा डिसकंटिन्यूड हो हो जाता एसेट्स रियलाइज जाते हैं लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो जाती है, है और डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स हो जाती है लेकिन पार्टनरशिप के अंतर्गत चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ही होता है जो बिजनेस है वो आज भी कंटिन्यू होता है और ये एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की वजह से हो सकता है तो डिजोल्यूशन पार्टनरशिप अलग अलग है अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं ठीक है दो तीन पॉइंट्स में 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 आपसे पूछूंगा नंबर नंबर वन वन करके आप बताएंगे. आप बताएं, आप बताएंगे बताएंगे मुझे मुझे बताइए के केस 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 किस किस रियलाइजेशन अकाउंट बनता है और किस केस में अकाउंट बनता है जल्दी से मुझे जवाब देंगे किस केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है फटाफट लेके बताएंगे सबसे अच्छा आंसर दिया श्रेया ने डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में रियलाइजेशन बनता है बाकी लोगों ने डिजोल्यूशन ही छोड़ दिया लिख करके चलिए डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में रियलाइजेशन बनता है डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में रिवैलुएशन बनता है चलो वेरी गुड किस केस के अंतर्गत बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है और वापस चालू नहीं होता है टोटल बंद टोटल बिजनेस बंद हो जाता है फॉर्म की पार्टनरशिप जल्दी बताएंगे चलिए वेरी गुड वेरी गुड डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में क्या हो जाता है बिजनेस पूरा क्लोज डाउन हो जाता है ऑसम awesome दोस्तों आइए दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं मोड्स ऑफ ऑफ द फॉर्म की लास्ट कंसेप्ट ऑफ द डे बहुत ध्यान से समझेंगे मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द फर्म मतलब फॉर्म डिजोल्व कैसे कैसे होती है दोस्तों तो फॉर्म डिजोल्व जो है वो दो तरीके से होती है एक होती है दोस्तों अगर अपन बात करें विदाउट दी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एक होती है विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पांच तरीके होते हैं अगर मोटा माटी अगर हम देखें फॉर्म को डिजोल्व होने के पांच तरीकों में दो कैटेगरी बांटी गई एक है विदाउट

दैट इज सर्टिन कंटेंजेंसी को लेकर के ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टिन कंटेंजेंसी को लेकर के तो बोला गया हैपनिंग ऑफ सर्टिन कंटेंजेंसी का मतलब हो जाता है यहां पर कि बॉस अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हुआ है यहां पर कुछ ऐसी अनहोनी हो गई जिसकी वजह से फर्म जो है वो बंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती एग्जाम्पल के नाम पर हमने एक समय के लिए इसे बनाया था और समय खत्म हो गया तो फर्म बंद हो भी सकती हो नहीं भी हो सकती है हमने पर्टिकुलरली एक एडवेंचर के लिए बनाया था वो एडवेंचर कंप्लीट हो गया तो फर्म बंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है जो पार्टनर है वो पार्टनर में से एक पार्टनर इन इंसॉल्वेंट हो गया तो अनलेस अदरवाइज अगर इट द फॉर्म इज डिजॉल्व तो फॉर्म बंद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है क्या आपकी बात समझ में पक्का नोटिस रेजोल्यूशन बाय नोटिस ये कौन से केस में होता है दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही पार्टनरशिप में होता है जो पार्टनरशिप एट विल है जिसके अंतर्गत अपन क्या करते है? notice हैं बेटा नोटिस फेंक के मारते हैं और फर्म क्या कर देते हैं दोस्तों बंद कर देते हैं समझ में आ गया दोस्तों पक्का एंड लास्ट अब अपन बात करने वाले बाय बाय कोर्ट कोर्ट मतलब आपको इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा कोर्ट आपके घर पे नहीं आएगी कोर्ट आपके घर पे नहीं आएगी आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको केस करना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा कि सर फर्म को बंद कर दो सर ऐसे करने की जरूरत क्यों हो रही है इतना अच्छा तो है अग्रीमेंट है अपना कंपलसरी है अपना कंटिजेंसी है अपना ये अपना नोटिस वाला है सर इनको यूज करो देखो ना दोस्तों प्रॉब्लम क्या होगी ये जो फर्म है ना ये पार्टनरशिप है डिविल वाली तो

स ठीक है जैसे अपन बोलते हैं मेंटली आप अनसाउंड होते तो अपन बोलते इंसैनिटी तो यहां पर क्या हो गया यहां पे पार्टनर इंसेन हो गया सर कौन सा पार्टनर इंसेन हो गया एक्टिव पार्टनर दोस्तों एक्टिव पार्टनर इनसेन हो गया अगर एक्टिव पार्टनर इंसेन हो गया तो ऐसे केस के अंतर्गत के क्या होगा बेटा अगर मैं बोल रहा हूं भाई एक्टिव पार्टनर के बिना अब क्या फॉर्म चलेगी जाने दो यार बंद करते हैं लेकिन मान ही नहीं रहे बाकी लोग तो उस केस के अंतर्गत क्या होगा इसके इसके अंतर्गत मैं कोर्ट में जा सकता हूं मिसकंडक्ट

ते हैं अरे इन्होंने मुझे बोला था कि भाई इन लोग क्या करेंगे इन लोग मुझे ना प्रॉफिट में शेयर देंगे लेकिन लोग प्रॉफिट में शेयर ही नहीं देते मुझे तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है कि इन लोग मुझे प्रॉफिट में शेयर नहीं देते हर साल मैं बोलता हूँ प्रॉफिट में शेयर दो शेयर दो लेकिन देते ही नहीं है दोस्तों तो ऐसे केस के अंतर्गत मुझे इन लोगों के साथ रहना ही नहीं है या फिर अगर अपन बात करें ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अगर ट्रांसफर कर दिया या फिर अगर बात करें कंटिन्यूस लॉस भाई बाकी के पार्टनर्स बहुत रईस है बहुत अमीर है इन लोग के पास बहुत पैसा है लॉस में फर्म जा रही है पिछले बीस साल हो गए दोस्तों हमने प्रॉफिट का मुंह ही नहीं देखा भाई मैं गरीब आदमी मेरा क्या है इतना सारा पैसा लॉस में जा रहा है उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे केस में मुझे फर्म

दिखाओ दिखाओ, दिखाओ। करके, फर्म करके दिखाओ, करके दिखाओ. अब आप मुझे बताइए ऐसे 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 चलेंगी तो तो क्या 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 काम हो पाएगा ना? केस तो केस के के अंतर्गत अंतर्गत होगा दोस्तों? के में जाना पड़ेगा और कोर्ट इस चीज का क्या देगा दोस्तों? सोल्यूशन देगा समझ में आ गया एग्जाम्पल के नाम पर अपन एक छोटा सा नहीं कोर्ट के पहला

अटैक आया पैरालिसिस का सूट फाइल किया गया वाई के द्वारा और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पैरालिसिस जो है वो टेम्पररी नेचर का है परमानेंट नेचर का नहीं है क्या यहां पर फॉर्म डिजोल्व होगी क्या नो no. एक्स का रिलेशनशिप है किसके साथ वाई की वाइफ के साथ, साथ? बताइए दोस्तों विश्वास ही तोड़ दिया दोनों का रिश्ता विश्वास का है विश्वास ही तोड़ दिया तो अब आप मुझे बताइए क्या पे फॉर्म डिजोल्व हो जाएगी यस एक्स वॉज कॉन्विकेड ऑफ ट्रेवलिंग रेलवे टिकट और वो डिफ्रॉड करने के लिए रेलवे में जा रहा है दोस्तों और डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा किया है क्या नाम खराब होगा यस लेना देना w अपना कौन सा क्या लगता है दोस्तों डब्ल्यू तो की वाइफ के साथ, है, तो no. लेकिन w की के साथ है जो कि रेगुलर पेशेंट है मेडिकल फॉर्म की जो कि एक्स वाई जेड की है अरे भाई आप पेशेंट के साथ ही ऐसा कर रहे हैं तो अब डब्ल्यू क्या करेगा डब्ल्यू पूरे जीवन भर पूरे पूरे सोसाइटी में फैला देगा कि इन लोग यहां मत भेजना गंदा गिनौना काम हो जाएगा ना तो यस एक्स जो है वो ओमिट करना रह गया दोस्तों एक पर्टिकुलर रिसीट ऑफ मनी इन अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई बात नहीं छोटी सी बात है कई बार मैं भी भूल जाता हूं इस वजह से निकाल थोड़ी ना देंगे नो एक्स ने ट्रांसफर कर दिया होल ऑफ इंटरेस्ट आंसर इज यस एक्स वाई जेड पार्टनरशिप में बीस साल से बिजनेस जो है हर साल लॉस हो रहा है हर साल लॉस हो रहा है तो इस केस अंतर्गत बी एस एक्स वाइजेड पार्टनर है ना फॉर्म लेकिन सब एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते तो भी फॉर्म बंद हो जाएगी आंसर इज यस हो माई गॉड इतने सारे बच्चे यस नो यस नो यस नो मेरे साथ खेल रहे हैं बहुत मजा आ रहा है दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्या हो गया होगा दोस्तों समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया जल्दी से थम्स अप करिए फटाफट 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 वाह क्या बात है हम सब भी आने चालू हो गए हैं चलो दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट चलो सो दोस्तों अब आज का अपन लोग जो अपना लेक्चर है वो यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं कल की क्लास क्या होने वाली है कल की क्लास होने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें हम कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिजोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ अपन करेंगे टेस्ट यस yes दोस्तों तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर रिविजनरी टेस्ट पेपर मॉक टेस्ट पेपर कल पूरा पार्टनरशिप जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है दोस्तों और मुझे भी बहुत मजा आ रहा है आप सबको पढ़ाते हुए बस मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क्योंकि आप सभी लोग मेरे साथ जूम में कनेक्टेड नहीं है आप सभी लोग मेरे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड है मुझे बस आप लोगों की एक पिक्चर चाहिए वीडियो देखते हुए यस yes, दोस्तों तो आप एक वीडियो देख रहे हो मेरा प्रतीक सर का किसी का भी वीडियो देख रहे हो नाटक क्लासेस का वीडियो देख रहे हो और आप मुझे भेजेंगे मेरे नंबर पर मेरा नंबर कौन सा है मेरा नंबर है ये वाला जिसे आप नोट कर लेंगे दोस्तों तो ये वाला जो नंबर है जो कि आप इसमें मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपनी फोटो तो हर बच्चे को फोटो भेजना अनिवार्य है अगर आप फोटो भेजेंगे तो ही मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा है सो थैंक थैंक यू एंड प्लीज ये फोटो जरूर इस नंबर पर भेजिएगा मैं देखना चाहता हूं मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं भाई आप लोगों की बातें सुन लेता हूं आप की बातें समझ लेता हूं लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैंने आपको नहीं देखा है आपके चेहरों को नहीं देखा है तो मुझे आप लोगों को देखना वो भी पढ़ते हुए तो कभी भी आप प्रतीक सर का लेक्चर देखो मेरा लेक्चर देखो कोई भी लेक्चर देखो अगर आप फोटो लैपटॉप में देख रहे हो या फिर आप मोबाइल पर देख रहे हो एक छोटा सा वीडियो एक छोटा सा आप बनाइए एक फोटो क्लिक करिए और अगर आपको हमारे बारे में कुछ अच्छा लगता है इसलिए लेक्चर में तो प्लीज वो भी लिख करके भेजिए मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर मैं आपकी लाइफ में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूं तो, तो प्लीज 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 ये जरूर भेजिएगा साथ ही साथ हमारा जो है दोस्तों वो है मोटिवेशनल सेशन का एपिसोड टू जो कि आज रिलीज हो चुका है प्लीज उसे भी देखिएगा चैनल पर बकायदा अवेलेबल है तो कोई भी डाउट होगा दोस्तों कल की क्लास में मैं सारे लूंगा आज मैं डाउट नहीं ले पा रहा हूं आज थोड़ा सा वर्क है ठीक है मुझे सी एंटर के लॉ के अमेंडमेंट्स की कुछ तैयारी करनी है जो कि कल है मेरा उसका बैच तो इसीलिए दोस्तों आज के लिए मुझे माफ करिए कल मैं पक्का लूंगा और इंतजार करूं आप सभी की फोटोज का थैंक यू सो मच गाइस